निर्भया गैंगरेप और हत्या के चार दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2017 के फैसले पर रिव्यू करने का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें, निर्भया के चार गुनहगारों में से एक अक्षय ठाकुर ने फांसी पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है। तो वहीं दोषी के वकील ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट से 3 हफ्तों का वक्त मांगा है। पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें मानवता रोती है, और ये मामला उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि दोषी अक्षय ठाकुर किसी भी तरह की उदारता का हकदार नहीं है, और भगवान भी ऐसे दरिंदे को बनाकर शर्मसार हो रहे होंगे। तो वहीं जवाब में अक्षय के वकील एपी सिंह ने अपनी दलीलों के जरिए अक्षय ठाकुर को फांसी से बचाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान आधे घंटे तक दी गई अपनी दलीलों में सतयुग, त्रेता से लेकर दिल्ली प्रदूषण तक का हवाला दिया, लेकिन उनकी ये तमाम दलीलें जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस पोपात्रा की बेंच को संतुष्ट नहीं कर पाई, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन दलीलों में कोई भी नया तथ्य पेश न किए जाने के आधार पर दोषी अक्षय ठाकुर की इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। यानी फिलहाल निर्भया गैंगरेप के चारों दरिंदों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी, और इंतजार रहेगा कि आखिर इन गुनहगारों को कब फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। न्यूज के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।